नमस्कार दोस्तों, मेरा भी फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है हम पानी की समस्या कैसे समाधान करेंगे। पानी की समस्या यानी कि अगर म्यूनसिपालिटी के पानी आपके घर के लिए सफिशेंट नहीं होता, यानी कि म्यूनसिपालिटी का प्रेशर लो होने की वजह से आपका टेरेस पे रखे हुए टैंक पे पानी चढ़ नहीं पा रहा है, जिसकी आप इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो इसके लिए आपको नीचे बैलेंसिंग टैंक लगाना पड़ता है, जो कि म्यूनसिपालिटी के पानी भरने के बाद आप उस पानी को फिर टेरेस पे शिफ्ट करते हो और उसको आपके डोमेस्टिक यूज़ पे लाते हो। तो कभी कभी ऐसा होता है कि म्यूनसिपालिटी के पानी ही नहीं आता है, तो आप तभी आपके कुओं का पानी, जो कुएँ की पानी यूज़ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, क्योंकि आपके ऑलरेडी मोटर जो है बैलेंसिंग टैंक में कनेक्टेड है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एक ही मोटर के जरिए कुएं का पानी टैंक पे कैसे शिफ्ट कर सकते हो जब म्यूनसिपालिटी का पानी नहीं आता है, या फिर वही मोटर से कुछ वाल्व के जरिए कैसे आप बैलेंसिंग टैंक का पानी भी ऊपर भेज के ऊपर शिफ्ट करके यूज कर पाओगे। ये हमारा कुआं है, यहाँ कुआं से ये सक्शन पाइप लग रखा है पंप को, और ये बैलेंसिंग टैंक से और एक सक्शन पाइप लग रखा है। तो ये जो सफ़ेद कलर की पीवीसी पाइप देख रहे हैं आप, ये म्यूनसिपालिटी से पानी आ रहा है, टैंक में गिरता है और टैंक के अंदर एक फ्लोट वाल्व लग रखा है, जिसके जरिए पानी भरने के बाद वो अपने आप बंद हो जाती है। तो दो बैलेंसिंग टैंक है, इसके कारण है कि आप ज़्यादा पानी संग्रह कर सकते हो और चाहिए तो आधा यूज करके आधा फ्यूचर के लिए सेव रख सकते हो। वहाँ पे एक वाल लग रखा है। तो ये जो पंप है, पंप के पास चलते हैं, यहाँ पे एक टी लग रखा है, टी के मदद से यहाँ पे दो वाल्व लग रखे हैं, बॉल वाल्व, और एक पाइप कनेक्ट है कुएं को और दूसरा पाइप कनेक्ट है बैलेंसिंग टैंक को। अभी देखिए कुआं का जो वाल्व खुला है और बैलेंसिंग टैंक का वाल्व बंद है। जब ही आप बैलेंसिंग टैंक से पानी लेना चाहेंगे, कुएं का तरफ का बंद करके बैलेंसिंग टैंक का वाल्व खोल देंगे, तो पानी इस ऊपर वाली पाइप से टैंक में चढ़ेगा। इस तरह आपके टेरेस का टैंक भरेगा और टेरेस का टैंक से आप पानी यूज कर सकते हो। जब पंप चालू है अभी, तो आप ये वाल्व को खोलते हैं तो पानी देखिए प्रेशर से नीचे आ रहा है। तो अभी ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आप एक दो वाल्व और टी के मदद से आप अपने जो सक्शन लाइन है दोनों तरफ यूज कर सकते हो।